और कनेक्टेड टू इंडिया के स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है थैंक यू सो मच सो जब आपने रेसलिंग से एमएमए में स्टार्ट किया था आपने सोचा था कि आपको इतना सक्सेस मिलेगा बिल्कुल क्योंकि मैं अगर अगर आप मेहनत किसी चीज की मेहनत करते हो अगर आप कुछ अचीव करने आए हो और उस चीज पे पूरी तरह से फोकस हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो बिल्कुल मुझे अपने हार्ड वर्क पे बिलीव है क्योंकि मैं अपने हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकती हूँ और कोई भी अपने हार्ड वर्क से डिटर्मिनेशन से सेक्रीफाइस से कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है Fantastic. तो रेसलिंग में आपकी एक टेक्निक थी थी और वो टेक्निक आप यू, आप करती उसमें उस तो, uh, उस uh, मैं यही कहूंगी कि रेसलिंग और मिक्स मार्शल आर्ट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है और मेरे लिए मिक्स मार्शल आर्ट में एक बेनिफिट है क्योंकि मैं एक रेसलर हूँ तो मेरे लिए टेक का, आ, काफी इजी रहता है तो मेरे को ये एक बहुत अच्छी नहीं है दोनों में। एक तरह से आप काफी अग्रेसिव रेसलर थी और अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था बस हमेशा इम्प्रूवमेंट स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग में भी आप बोल रही है आर्ट्स आपके लिए काफी नेचुरल रहा से यहाँ पे आना और वही टेक्निक को एम्प्लॉय करना बिल्कुल क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए काफी मतलब टेक्निक में जो स्ट्राइकिंग नहीं आई थी थी मुझे मोहित आई और मुझे बीजीजीबी के बारे में नॉलेज नहीं थी लेकिन मैं मेंटली और फिजिकली फिट थी तो उस चीज को सीखने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा और अभी डे बाय डे उस चीज पे मैं हार्ड वर्क कर रही हूं और डे बाय डे काफी इंप्रूवमेंट है आपने किस टाइम पे सोचा कि अब रेसलिंग से एमएमए में जाएंगे ऋतु मैं काफी टाइम से 2012-13 से मैं YouTube पे वीडियो देखती थी एमएमए की खबीब की देखती थी तो ये गेम मेरे को मतलब काफी अलग सा और काफी इंटरेस्टिंग लगता था तो मुझे इस चीज के बारे में कभी नॉलेज नहीं थी कि इंडिया में भी मतलब इस गेम इस गेम की ट्रेनिंग होती है तो दिमाग में ये था कि मतलब इस गेम से इंडिया में कोई क्यों नहीं है तो वही चीज थी जो मेरे को रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में लेके आई

तो आपके फादर और आपकी बड़ी सिस्टर्स जो इतनी सक्सेसफुल हैं उनका क्या बोलना था बिल्कुल उनके स्पोर्ट के बिना मैं यहाँ पे नहीं होती उन्होंने मेरे को पूरा मेरा पूरा साथ दिया है और यही बोला कि गेम चाहे रेसलिंग हो मिक्स मार्शल आर्ट हो गेम चाहे कोई भी हो पूरी फोकस के साथ पूरी डिटरमिनेशन के साथ मतलब सबसे पहले अपने देश का नाम ऊंचा करके करना है तो वही चीज मैं कर रही हूँ और रेसलिंग के बाहर आपके कौन इंस्पायर करता है कौन सा स्पोर्ट्समैन ज़्यादा इंस्पायर करता है अ, सबसे मैं पहले तो अपनी बहनों से ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ उन्होंने रेसलिंग को मतलब इंडिया में एक अलग ही मुकाम पे पहुँचा दिया है तो और उसके बाद मैं क्रिकेटर जो विराट कोहली है उसकी वीडियो देखती हूँ वो उसकी फिटनेस वीडियो देखती हूँ तो वो काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं

तो एक चैंपियन वाली फीलिंग आती है तो काफी अच्छा लगता है उसके साथ ट्रेनिंग करके सो so उनसे कितना रेगुलरली आप मिल पाती हैं कंसीडरिंग आप इंडिया में रहती हैं वो वो मेरे ख्याल से चाइना से हैं राइट नहीं हम यहाँ पे सिंगापुर में ही एक साथ जो हमारी जिम है इवोल एक साथ ही वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक साथ ही कोचिंग हमारे कोच हैं वो हमें कोचिंग दे रहे हैं तो हम साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं अरे फिर हम ये इंटरव्यू जूम में क्यों कर रहे हैं हमें तो फिर आपके साथ इन पर्सन <laughs> इंटरव्यू करना चाहिए था एनीवे anyway, वो भी हम करेंगे किसी ना किसी दिन सो so, uh, हर एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर का और हर एक फाइटर का एक फेवरेट मूव होता है आपका क्या फेवरेट मूव है uh, करना favorite, करना. अच्छा। और आखिरी सवाल आपने बोला था अगर दंगल टू बनेगी तो आप अपनी act, अपना किरदार खुद निभाएंगे तो आपने कुछ एक्टिंग क्लासेस हैं और शुरू कर रही हैं और अगर उसमें कोई कोई आपने सुना है उसका किरादार मैं निभाऊंगी क्योंकि मेरे से बेहतर मेरी जरूरी कोई और नहीं कर सकता तो मुझे एक्टिंग की सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल जो चीज जो होगी वो एक्टिंग से नहीं होगी तो नेचुरल मेरे में वो चीज है Fantastic. Gritu, uh, Ekbar Fair, congratulations for a fantastic victory. We are very proud of you and thank you for speaking to Connected to India. All yeah, the best. Thank to you. you so much. Thank you. Thank you. If you enjoyed this interview, press the like button and definitely subscribe to Connected to India's YouTube channel. Thank you for watching.